वालेकुम आपने जो थंबनेल में देखा बिल्कुल ठीक देखा कि यूट्यूब नए यूट्यूबर्स की वीडियोस को प्रमोट नहीं करता इसलिए तो उनकी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते आप मिसाल लेके दो यूट्यूबर्स एक पुराना और एक नया दोनों एक ही टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसके बाद होगा क्या आपने भी वीडियो बनाई और शायद आपने अच्छी वीडियो बनाई हो उससे जो कि पुराना यूट्यूबर है लेकिन पुराना यूट्यूबर अपनी वीडियो पे हजारों लाखों व्यूज़ लेने में कामयाब हो जाएगा और आप एक अच्छी वीडियो बनाने के बावजूद फेल हो जाओगे क्यों इसी के ऊपर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे आपकी वीडियो के ऊपर ज्यादा व्यूज़ आते हैं चाहे आपका चैनल नया ही क्यों ना हो मेरा नाम है उस्मान रशीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल उस्मान टी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑनलाइन अर्निंग डिजिटल मार्केटिंग और YouTube से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए तो चलिए दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला फैक्टर आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ ना आना चाहे आप एक नए यूट्यूबर हो तो जब आप एक वीडियो बनाते हो आपकी वीडियो की क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं होती क्योंकि आपने नया नया काम स्टार्ट किया है अभी आप में कॉन्फिडेंस नहीं है अभी आप काम करने का तजर्बा नहीं रखते लेकिन शायद आप कहो कि आपकी वीडियो अच्छी है वो आपकी नज़र में अच्छी है लेकिन कुछ अरसे के बाद जब आप अपनी ही पुरानी बनाई हुई वीडियो को वॉच करोगे आपको ख़ुद महसूस होगा कि यार वो मेरी वीडियो बेकार थी तो कोई अगर उस वीडियो को देखता तो क्यों देखता उसमें ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद थी जिसकी वजह से वो उस वीडियो को देखता क्योंकि जब आप सीखते जाओगे सीखने के बाद जब आप वीडियो बनाओगे उस वीडियो की क्वालिटी बेहतर होगी उस वीडियो का मवाद बेहतर होगा उस वीडियो का अंदाज़ बेहतर होगा आप अपनी ही पुरानी वीडियो को देख कर ये सोचोगे कि मैंने वो बेकार काम किया था तो जब आपको लगता है कि आपने वो काम बेकार किया था तो उस वक्त YouTube आपको प्रमोट किस वजह से करता ये बात आपको अच्छे से अब समझ लेनी चाहिए कि जब आपकी वीडियो अच्छी नहीं होती तो YouTube आपके चैनल को या आपकी वीडियो को प्रमोट नहीं करता तो पहले नंबर पे आपकी वीडियो की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए कंटेंट बेहतर होना चाहिए अंदाज बेहतर होना चाहिए अच्छा अंदाज होना चाहिए फिर जाकर आप यूट्यूब को कायल कर सकते हो कि वो आपकी वीडियो को प्रमोट करे शायद मैंने भी जब यूट्यूब पे स्टार्ट लिया था तो इस तरह मैं भी बोलता था और आप में से बहुत से लोग जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो इसी अंदाज में वीडियोज़ बनाते होंगे असलमकुम आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा मतलब कोई नहीं पता वीडियो कैसे बनानी है वीडियो में कैसे बैठना है कैसे बोलना है वॉइस क्वालिटी कैसे बेहतर करनी है वीडियो अच्छी एडिट कैसे करनी है ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो कि पहले मैं भी नहीं जानता था और शायद आप में से बहुत से लोग नहीं जानते लेकिन आप में से बहुत से लोग बजिद इस बात पे रहते हैं कि आपने वीडियो बनाई है तो मैंने भी वीडियो बनाई है तो मेरी वीडियो यूट्यूब क्यों नहीं प्रमोट करता तो भाई उसका जवाब ये है कि आपकी वीडियो की क्वालिटी बेहतर नहीं है वीडियो का अंदाज़ बेहतर नहीं है यूट्यूब का सिस्टम आपकी वीडियो को समझ नहीं सकता आपको समझ नहीं पाता तो वो वीडियो को प्रमोट कैसे करे तो सबसे पहले अगर उसके सिस्टम को आप कायल करना चाहते हो तो आप अच्छी वीडियो बनाकर उसके सामने पेश करो ताकि वो आपको प्रमोट कर सके दूसरा फैक्टर आप रेगुलर काम नहीं करते जब आप यूट्यूब पर एक दुकान आकर लगाते हो तो दुकानदारी तब चमकती है जब आप डेली बेसिस पे अपनी दुकान के अंदर नया से नया सामान ला के रखो जितना नया सामान रखोगे जितना अप टू डेट रहोगे उतना ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएगा तो इसी तरह से यूट्यूब के ऊपर जब आप रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हो यानी यूट्यूब को लगता है कि आपके पास अब मवाद मौजूद है ऑडियंस को दिखाने लायक आपके पास बहुत कुछ है तब जाकर यूट्यूब आपको प्रमोट करना शुरू करता है क्योंकि इसमें यूट्यूब का फ़ायदा है कि यूट्यूब की ऑडियंस यानी जो लोग यूट्यूब पे आके सर्चिंग करते हैं यूट्यूब पे आके वीडियोस देखते हैं यूट्यूब क्यों नहीं चाहेगा उसको आपकी वीडियो दिखाना जब आपके चैनल के ऊपर बेशुमार वीडियोज़ होंगी और रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ आ रही होंगी तो ये दूसरा फैक्टर है आपकी वीडियो को प्रमोट करने का और यूट्यूब से प्रमोट करवाने का तीसरा फैक्टर आपने वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर ली आपने रेगुलर काम कर लिया तीसरे फैक्टर के अंदर आपकी वीडियो का टॉपिक टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स ये सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए यानी आप उस वीडियो के ऊपर काम करो उस टॉपिक पर वीडियो बनाओ जिसकी आज ज़रूरत है ना कि ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दो जिसकी आज जरूरत ही नहीं है तो उस टॉपिक को कोई वॉच नहीं करेगा तब भी YouTube आपकी वीडियो को नए लोगों को नहीं दिखाएगा क्योंकि इस तरह का टॉपिक YouTube पहले दिखा चुका है तो ये तीसरा फैक्टर भी मैटर करता है आपकी वीडियो के ऊपर आने में आपके चैनल की ग्रोथ में तो ये तीन फैक्टर्स के ऊपर अगर आपने सही से अमल कर लिया इन तीनों चीज़ों को आपने बेहतर कर लिया तो इन आप 25 से 30 वीडियोस जब रेगुलर अपलोड कर लोगे आपकी 25-30 वीडियोस में से YouTube आपकी एक वीडियो को रैंक कर देगा जब आपकी एक वीडियो को रैंक करेगा तो आपका चैनल भी उठेगा आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ भी उठेंगे इन तीन फैक्टर्स के ऊपर अमल करने से वीडियो पर व्यूज़ कैसे आते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो इस तरह से मेरे चैनल के ऊपर भी पहले व्यूज़ नहीं आते थे लेकिन जैसे ही मैंने रेगुलर काम किया तो यूट्यूब ने मेरी रेगुलर वीडियोज़ में से एक वीडियो को रैंक कर दिया जैसे ही एक वीडियो को यूट्यूब ने रैंक किया मेरे चैनल के व्यूज़ में सब्सक्राइबर में इन सारी चीज़ों में इजाफा होना शुरू हो गया उसके बाद मैंने फिर से काम छोड़ दिया फिर जैसे ही मैंने रेगुलर काम करना शुरू किया फिर यूट्यूब ने मेरी एक वीडियो को बूस्ट कर दिया यानी एक वीडियो को उठा दिया इसीलिए बार बार आपको मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स ये कहते नज़र आएंगे कि आप रेगुलर काम करो क्योंकि आपके रेगुलर काम करने से और इन तीन फैक्टर्स के ऊपर अमल करने से आपके चैनल की आपकी वीडियोज़ की ग्रोथ होती है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से आज की इस वीडियो को समझ चुके होंगे और नेक्स्ट इन तीन फैक्टर्स के ऊपर आप ज़रूर अमल करोगे दोस्तों मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त अल्लाह हाफिज़